क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो इसमें आपको साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है, मतलब मुझे एंगल ए के रिस्पेक्ट में एक ट्राइंगल का एक्यूट एंगल जो है वो ए लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इनमें इन्होंने नहीं बताया है कि राइट एंगल किस पर लेना है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। हम किसी पर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बी लिया है राइट एंगल में, एंड आपका एंगल ए है ये एंड बी। एंगल ए के जो आपकी अपोजिट साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और एडजेसेंट साइड है वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। अब देन हम क्या, हमको क्या पता है कि साइन ए जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और जो की वैल्यू दी है 3/4। देन पी की वैल्यू 3, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, एंड हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई आपकी 4। देन अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसमें मैं आपके लिए ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, एक सेकेंड, यहां पर आपका सी है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 4 है, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू 3। 4 जा 16, 3 जा 9, जो कि इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। देन ए बी की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 7, अंडर रूट 7। ए बी की वैल्यू आपकी अंडर रूट 7 है। देन अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस एंड टेन। देन कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस दैट मीन्स ए बी, हाइपोटेनियस दैट मीन्स ए सी। ए बी की वैल्यू आपकी रूट 7 है, ए सी की वैल्यू 4 है, एंड टेन ए ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर आपका बी सी है, बेस आपका ए बी है, बी सी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू रूट 7। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड sec a। देन वही cot क्या आपको दिया गया है, 15 cot a इक्वल्स टू 8, देन cot a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 अपॉन 15। तो हम आपका ये डायग्राम देखेंगे, ये आपका b है ए सी, ठीक है। देन कॉट ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस आपका ए बी है, परपेंडिकुलर आपका बी सी है, तो बेस आपका 8 हो गया, परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, 64 प्लस 225। देन ए सी की वैल्यू आई आपकी रूट 289, दैट इज 17। तो ये आपका क्या आ गया, 17। हम अब मुझे फाइंड क्या करना है, साइन ए, साइन ए आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड सेक ए, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनियस 17। सेक ए, सेक ए आपका होता है हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ए सी,
अपॉन बेस ए बी, हाइपोटेनियस 17 है आपका, बेस 8 है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देन इसमें आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ए बी सी, ये हमने थीटा ले लिया है और आपको सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 गिवन है एंड सेक आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। देन हाइपोटेनियस आपका 13 है, बेस आपका 12 है, हाइपोटेनियस 13 बेस आपका 12 है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, वही आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपसे नहीं आता है तो आप पहले सीधी सीधी लगाइए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन आप इसका ट्रांसफर कर दीजिए इस तरफ, आपका ये माइनस साइन आ जाएगा। ए बी की वैल्यू और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम, ये आपका क्या है 169 144, ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट 25, दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू 5। यहां से आपकी ए बी की वैल्यू 5 आएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बोला गया है इसमें फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने एक फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसमें से आपको सेक थीटा तो गिवन ही है, इसको तो हमें फाइंड करना ही नहीं है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 आई है, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका पलट के लिखते हैं। आपको नहीं है तो आप फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए, यहां पर आपका क्या है साइन को आप कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे तो ये 13 अपॉन 5, यहां पर आप 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 अपॉन 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग।